केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, चाहे वो जिला परिषद के प्रत्याशी हों, मुखिया के, पंचायत समिति के या वार्ड के। सभी लोग अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह ले आए हैं और घर घर वोट मांगने जा रहे हैं और मत भी मांग रहे हैं। अभी हमारी पूरी टीम सरैयाहाट प्रखंड के बढ़ैत पंचायत में है और यहाँ पर मेरी मुलाकात 10 नंबर वार्ड से कुमारी अंजना मिश्रा से हुई है, जो कि एक वार्ड सदस्य के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि किन कारणों से मैदान में आई हैं और क्या सपने संजोई हैं अपने वार्ड के लिए। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। किन कारणों से आप चुनाव लड़ रही हैं? यहाँ पर हमारे वार्ड में पहले मैं देख चुकी हूँ कि बहुत लोगों को जो चीज़ सुविधाएँ मिलनी चाहिए वार्ड में, वो सब सुविधाएँ मिल नहीं रही हैं और बहुत कोई तो अपने आप में ही जी में। रुको, वहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, मैं जनता का सेवा और अपने वार्ड के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। जनता का सेवा और अपने वार्ड के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर चुनाव जीत जाती हो आप, वार्ड की जनता आपको अपना वार्ड पार्षद बनाती है, तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगी? मैं यहाँ पर जिन लोगों को पेंशन नहीं मिला है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, सभी की मदद करूंगी और सभी को इसका लाभ दिलवाऊंगी। जितनी भी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, आप उसको धरातल पे उतारेंगी और उसका लाभ दिलाएंगी जी। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे किसी भी प्रकार का पेंशन हो जी। आवास योजना का भी कुछ लाभ दिलाएंगी जी। अब हम बात करते हैं, ये तो काम सभी करते हैं, आप उनसे अलग हटके क्या काम करेंगी? और क्या क्या काम करेंगी आप? अभी झारखंड में कन्या विवाह योजना का जो चल रही है, हाँ, तो उसका मैं सबको जागरूक पहले करवाऊंगी और उनका भी लाभ लोगों को दिलवाऊंगी। कहने का मतलब ये है, कन्या विवाह योजना जो एक पेंशन के रूप में आता है लड़कियों के लिए, आप उसका लाभ उन गरीबों को दिलवाएंगी जिनको जरूरत होगा जी। और क्या काम हो सकता है? और आंगनबाड़ी केंद्र जो सरकार सुविधाएं दे रही है यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, उसमें अभी यहाँ गांव की जनता जागरूक नहीं है उसके प्रति, तो उन सभी को घर घर जाकर इस चीज के प्रति जागरूक करूंगी कि अपने बच्चे को आंगनबाड़ी भेजें और शिक्षा व खाना की व्यवस्था वहाँ रहती है, उन सभी चीज़ों का लाभ वो लें। और क्या काम होगा? और वार्ड में यदि सड़कों की योजना आएगी तो सड़क भी बनवाऊंगी, फिर घर घर पेयजल नल की सुविधा भी है वो भी करवाऊंगी जी। ये हमारी एक युवा प्रत्याशी हैं वार्ड की, इनकी सोच बहुत अच्छी है कि अपने वार्ड के लिए क्या क्या काम करेंगे। इनको दायित्व तो पता है और इन्होंने बताया कि अगर हमें वार्ड पार्षद बन के मैं आती हूँ यहाँ पे, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होगा, सड़क का भी काम करेंगी, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को भेजेंगी। अब स्वास्थ्य के बारे में इनसे ही बात करते हैं कि वार्ड में और अपने पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है या नहीं है, और अगर नहीं है तो लाने का, मतलब मुखिया से बात करके लाने का कोशिश करेंगी या सरकार से बात करके लाने का कोशिश करेंगी। कैसे व्यवस्था होगा उप स्वास्थ्य केंद्र का? यहाँ पर तो स्वास्थ्य केंद्र है चुटिया में, मगर सभी को पर्याप्त रूप से लाभ वो नहीं उठा पाते हैं यहाँ के लोग जी। मतलब कुछ देर से पहुँचते या कुछ समय बाद हॉस्पिटल बंद हो जाता है या कभी NM नहीं रहती है। तो आप चुनाव जीत के आएंगी तो इस व्यवस्था को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे जी। क्या नाम है आपका? कुमारी अंजना मिश्रा। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह गैस का चूल्हा छाप। क्रमांक संख्या? 1। पंचायत? बढ़ेत। प्रखंड? सरैयाहाट। जिला? दुमका। आपने देखा कि हमारी जो प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी, इनकी सोच कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी पहल लेके ये आगे बढ़ रही हैं। बाकी जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।